प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीएम के नकली साइन सील लगाकर एक डॉक्टर से ठगी करने के साथ 10 लाख की मोटी रकम मांगने के मामले में डॉक्टर हरी सिंह चौरसिया की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने सौरभ मौर्य और इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्राइम ब्रांच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सौरभ मौर्य और इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं जबलपुर आयुर्विज्ञान केंद्र में रजिस्ट्रार नियुक्त करने का डॉक्टर को झांसा देकर सीएम की नकली नोटशीट तैयार कर 10 लाख की मोटी रकम की मांग की, लेकिन डॉक्टर हरी सिंह चौरसिया को शक होने पर उन्होंने इसकी शिकायत की तो पता चला कि गिरफ्तार हुआ आरोपी सौरभ मौर्य IFS अधिकारी से ठगी के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। वहीं पूरे मामले का मुख्य आरोपी शैलेंद्र भदौरिया अब भी फरार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के तार राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। आज एक शासकीय अधिकारी द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया और उनका यह कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फर्जी नोटशीट देकर उनके ट्रांसफर और पद स्थापना की कुछ उनसे बात की गई थी और उस नोटशीट को प्रथम दृष्टया देखा गया और वह फर्जी प्रतीत हुई है और उस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिस पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जहां से उक्त नोटशीट का बनना पाया गया है वे सारी सामग्री जब्त कर जांच हेतु भेज दी गई है। सर, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई। सर, जबलपुर से भोपाल से क्या कॉन्टैक्ट? देखिए, अभी इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है, विवेचना इसमें जारी है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे आपको इससे अवगत कराएं। इसमें 2 आरोपी हैं वर्तमान में और इसमें और भी अन्य आरोपी हैं, जांच इसमें चल रही है।